वेलकम टू सिंसॉफ्ट स्टूडियो, दिस इज साहिल चांडियो। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था सी शार्प में कि हम कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बटन्स एंड रिच टेक्स्ट बॉक्स, तो आज हम सीखेंगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, जो ट्यूटोरियल होगा, वो डिपेंड करेगा कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पे कि कैसे हम ये यूज़ कर सकते हैं टेक्निक्स। तो लेट्स सी, हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ से। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसका बटन का नाम जो भी होगा वो चेंज करेंगे, जिसके हिसाब से आप उसकी चेंजिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी विल चेंज इट। तो सबसे पहले हम टास्क करेंगे बोल्ड का, तो बोल्ड यहाँ पे हमने चेंज कर लिया नाम इसका, तो इस पर कोडिंग पे चलेंगे। कोडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जस्ट लिखेंगे सेम तरीके से, यहाँ पे भी हम इफ़ की मदद से जो टास्क होगा वो परफॉर्म करेंगे। रिच टेक्स्ट बॉक्स ये टू है, पहले हमने रख लिया है टू डॉट, जो भी टेक्स्ट होगी उसको हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन फॉन्ट उठाएंगे। ठीक है, जो भी फॉन्ट होगी और क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, नल उठाएंगे यानी कि कोई भी डेटा ना हो उसमें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम इसका ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक इफ़ का। इफ़ के ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, जो भी हम टेक्स्ट उठा रहे हैं हम उसका सिस्टम के थ्रू हम सिस्टम डॉट, ठीक है, सिस्टम डॉट हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट हम लिखेंगे ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग उठाएंगे, ड्राइंग डॉट फॉन्ट, जो भी फॉन्ट होगी वो उठा लेंगे विद हेल्प ऑफ इसके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट फॉन्ट उठाएंगे, इजिकल करेंगे। करंट फॉन्ट में हम इजिकल करके हम क्या करेंगे, रिच टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट के बाद हम डायरेक्टली हम परफॉर्म करवाएंगे जो भी टेक्स्ट होगी उसके बाद हम, यानी कि जो हमारे पास जो रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट सिलेक्ट उठा रहे हैं, तो क्या उठाए हमारे पास, सिलेक्शन उठाए फॉन्ट की। सिलेक्शन डॉट हम क्या करेंगे, फॉन्ट उठाएंगे, सिलेक्शन सॉरी हमने जो भी डॉट सिलेक्शन फॉन्ट उठाएंगे। सिलेक्शन फॉन्ट जैसे उठा लिया तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इसके हम डायरेक्टली जो भी टास्क होगा हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिस्टम की मदद से। तो उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद हम क्या लिखेंगे, सिस्टम, जो भी सिस्टम डॉट लिखेंगे। डॉट के बाद हम सेम तरीके से ड्राइंग, जो भी डेटा होगी ड्राइंग के थ्रू हम सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, मसलन कि हमारी जो डेटा होगी ड्राइंग डॉट सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन क्या करे, जो हमारी डेटा हो यानी कि जिसका जो फॉन्ट हो वो हमारे उठाए विद हेल्प ऑफ इसकी मदद से। ठीक है, हमने डायरेक्टली, अच्छा हमने एक बार लिख लिया, दूसरा हम इसके थ्रू हम बाय मिस्टेक हो गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम दूसरी इफ़ स्टार्ट करेंगे। इफ़ के बाद हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ इसके थ्रू। अच्छा, इसमें इससे पहले हम एक लाइन दूसरी लिखेंगे जो हमें सिस्टम डॉट ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग के बाद फॉन्ट स्टाइल उठाएंगे, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल उठाएंगे। फॉन्ट स्टाइल के बाद हम क्या करें, जो भी डेटा हो, फॉर सपोज जैसे न्यू फॉन्ट स्टाइल हमें शो करवाए, ठीक है, स्टाइल इसको क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद आ जाएंगे हम नीचे, जो हमें इफ स्टार्ट किया है, इफ में हम लिखेंगे जो भी डेटा होगी फॉर सपोज, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इफ में, इफ दोबारा से हम क्या करेंगे, रिच टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट सिलेक्शन फॉन्ट उठाएंगे। सिलेक्शन फॉन्ट में क्या करवाए हमें, बोल्ड करवाए, ठीक है, जो भी टेक्स्ट होगी इजिकल इजिकल ट्रू हो जाए। ट्रू के बाद हम नीचे आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ब्लॉक बनाएंगे। दूसरे ब्लॉक में डेफिनेटली हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारी फॉन्ट होगी, न्यू फॉन्ट स्टाइल जो हमें स्टार्ट करवाए, जो हम इफ स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी, जो यानी कि जो ये इफ है ऊपर वाली, इसका हम ब्लॉक बनवा रहे हैं, न्यू फॉन्ट स्टाइल इजिकल करवाए किसके, फॉन्ट स्टाइल की मदद से, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल क्या आ जाए, रेगुलर आ जाए। अगर हम उस पर दोबारा से क्लिक करें तो रेगुलर आ जाए, रेगुलर आने के बाद हमारी टेक्स्ट वापस आ जाए, ठीक है। ये ब्लॉक इसका क्लियर हो गया, तो हम क्या करेंगे अभी एल्स का, ठीक है, यानी कि हम एल्स का ब्लॉक बनाएंगे अगर ये टास्क हमारा परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये हमारा टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा तो हमें क्या परफॉर्म करवाए,
एल सब में क्या करवाए, जैसे हमने न्यू फॉन्ट स्टाइल ठीक है इजिकल क्या करवाए फॉर सपोज फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड करवाए ठीक है। अगर हम वहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे तो डायरेक्टली आपका वो जो भी टास्क हो वो परफॉर्म हो जाए। तो उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली अगर ये टास्क परफॉर्म हो जाए तो जो रिच टेक्स्ट बॉक्स हो टू डॉट सिलेक्शन सिलेक्शन फॉन्ट करवाएंगे इज इक्वल न्यू न्यू के बाद हम क्या करेंगे फॉन्ट सॉरी हम क्या करेंगे फॉन्ट उठाएंगे ये ऊपर वाला जस्ट हम फॉन्ट उठाएंगे। फॉन्ट कराने के बाद जो भी करंट टेक्स्ट हो ठीक है यानी कि जो भी करंट फॉन्ट हो हमें क्या करवाए फॉन्ट डॉट फैमिली करवाए फैमिली यानी कि उसके थ्रू आपकी डेटा परफॉर्म हो जाए। उसके बाद क्या करवाए उसकी साइज़ के हिसाब से करंट फॉन्ट डॉट साइज़ उसकी इजिकल वही हो जाए जो उसकी साइज़ हो। उसके बाद हम क्या करेंगे न्यू फॉन्ट स्टाइल हमारा परफॉर्म किया जाए वहाँ से ठीक है। तो ये हमारा टास्क परफॉर्म हो गया विद हेल्प ऑफ बोल्ड की। लेट्स सी हम उसको रन करवाते हैं रन कराने में देखते हैं कि वो हमारा टास्क जो बोल्ड का है वो परफॉर्म हो रहा है या नहीं। हम क्या करेंगे जस्ट रन करवाएं रन कराने के बाद जो भी टास्क होगा वो हम चेक कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो विद हेल्प ऑफ इसके परफॉर्म हो जाए। सिलेक्ट करेंगे या हम लिख रहे हैं सिनसॉफ्ट स्टूडियो सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कराने के बाद हम इसको बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इट मीन्स जो हमने टास्क किया वो परफॉर्म हमारा प्रॉपर वे से हो रहा है। एक और टेक्निक के अगर फॉर सपोज हम वैल्यू परफॉर्म करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा जैसे हम अगर फॉर सपोज अंडरलाइन चेंज कर रहे हैं इसकी अंडरलाइन में जैसे ही अंडरलाइन हो जाएगी तो विद द हेल्प ऑफ इसके हम चेंज करवाएंगे यहाँ से ठीक है। यहाँ पे जैसे जस्ट हम जो भी ये टेक्स्ट होगी इसको हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसका काम जो भी होगा वो परफॉर्म करवाएंगे। जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बोल्ड है अंडरलाइन लिखना पड़ेगा ठीक है। अंडरलाइन लिख लिया और उसके बाद ऊपर आ जाएं जहाँ पे भी बोल्ड लिखा हो आप उसको चेंज करके अंडरलाइन कर लें बाकी सारा कोड सेम ही हो जाएगा ठीक है। इट मीन्स हमने जस्ट जो भी टास्क होगा वो विद द हेल्प ऑफ इसकी मदद से आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी हम रन करवाते हैं कि ये वाकई ये अंडरलाइन परफॉर्म हो रही है या नहीं है। अच्छा एरर है यहाँ पे देखें क्यों एरर आ रही है इसको आप क्या कर रहे हैं वापस आ जाएं डॉट अंडरलाइन ठीक है अंडरलाइन हो गया। यहाँ पे भी सेम तरीके से वापस उठा लें ताकि डॉट अंडरलाइन उठा लें ठीक है अंडरलाइन हो गया मतलब ये आपका परफॉर्म प्रॉपर वे से हो जाएगा। रन करवा लें हम रन करवाते हैं ताकि देखते हैं कि हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा है या नहीं। हम लिखें अंडर लाइन ठीक है इसको सिलेक्ट कर लें सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे अंडरलाइन कर लें। अच्छा सॉरी यहाँ पे भी हमने किया था ये देखें अंडरलाइन खुद ब खुद यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। सेम तरीके से हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन है तो हम यहाँ पे जो इटालिक होगा इस तरीके से हम इटालिक चेंज करेंगे जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है अंडरलाइन को हम इरेज करके और लिखेंगे इटालिक इटालिक आपका और ऊपर से जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इसकी मदद से और ये टास्क हमारा परफॉर्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इटालिक के ठीक है। तो इटालिक जैसे उठा लेंगे इटालिक जैसे हो गया तो हम परफॉर्म रन करवा रहे हैं इसको जैसे ही रन करवाएंगे जो भी हमारा टास्क होगा वो हमारा परफॉर्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इसकी मदद से। कोड चेंज करने की कोई नीड नहीं जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर लें तो फिर भी आपका काम परफॉर्म हो जाएगा। जैसे हमने ये देखें सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप इसको इटालिक कर लें तो आपकी टेक्स्ट जो होगी वो भी इटालिक हो जाएगी। तो होप आपने ये तीन पॉइंट्स लिख ली समझ ली। जस्ट हमें क्या कोड चेंज करना पड़ेगा ये जो इटालिक है और यहाँ पे ये इटालिक है इसको आप अंडरलाइन कर लें बोल्ड कर लें तो आपका टास्क जो भी होगा परफॉर्म हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।